राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद नरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। जम्मू के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में शहीद हुए नरेंद्र सिंह गुरुवार सुबह पैते गांव थाना कला पहुंचा पार्थिव शरीर। कंवाली मोड़ से गांव तक हजारों लोगों का हुजूम। शहीद के पार्थिव शरीर को भारत माता की जय के नारों के साथ गांव तक लेकर आए लोग। जम्मू के सांभा जिले के रामगढ़ सेक्टर में शहीद हुए थाना कला गांव के नरेंद्र सिंह का गुरुवार को उनके पैतृक गांव थाना कला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पार्थिव शरीर को सेना के जवान गुरुवार सुबह लेकर जैसे ही कवाली मोड़ पर पहुंचे तो वहां से हजारों की संख्या में गांव और आसपास के लोगों ने पार्थिव शरीर को खुले वाहन में लेकर उनके घर तक पहुंचे। इस दौरान भारत माता की जय, शहीद नरेंद्र सिंह अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद नरेंद्र सिंह तेरा नाम रहेगा के गगनभेदी नारों के बीच पूरा माहौल गमगीन बना रहा। लोगों की आंखें नम हो गईं। शहीद नरेंद्र सिंह बीएसएफ की 176वीं बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे। 52 वर्षीय नरेंद्र सिंह मौजूदा समय में इंद्रेश्वर नगर जम्मू में तैनात थे। जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में पेट्रोलिंग करते समय पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में घायल होने के बाद वो लापता हो गए थे। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एलओसी के पास क्षत विक्षत हालत में पाया गया। शहीद नरेंद्र सिंह को 3 गोलियां लगी थीं। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे उनका पार्थिव शरीर बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट आरएन कौशिक लेकर पहुंचे। वहीं बीएसएफ के डीआईजी महेंद्र सिंह देव, सहायक कमांडेंट नरेंद्र कुमार यादव भी दिल्ली से शहीद के पार्थिव शरीर के साथ पहुंचे थे। सोनीपत खरखोदा रोड पर कवाली गांव के पास हजारों की संख्या में लोग शहीद के पार्थिव शरीर के इंतजार में पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो प्रत्येक व्यक्ति गमगीन नजर आया। इस दौरान सभी ने जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद नरेंद्र सिंह तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगाए। इसके बाद थाना कला गांव में शहीद के घर तक लगभग 6 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा हुआ। यहां उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा गया। उनके दोनों बेटे मोहित, अंकित, पत्नी संतोष और परिवार के अन्य सदस्यों सहित ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो उसमें प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, स्थानीय विधायक जयवीर वाल्मीकि, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल, उपायुक्त विनय सिंह, एएसपी राजीव देशवाल, एसडीएम श्वेता सुहाग सहित हजारों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद गांव के शमशान घाट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त विनय सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के समय बीएसएफ और हरियाणा पुलिस के जवानों ने सलामी दी। इसके बाद शहीद के बेटे मोहित ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि शहीद नरेंद्र सिंह की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमा की रक्षा की है। यह शहादत वर्षों तक बुजुर्गों को सहारा और युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। विधि गुरुवार सुबह थाना कला गांव में शहीद नरेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार के बाद उपायुक्त विनय सिंह के साथ उनके घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे थे। बेदी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार शहीद की परिवार की आर्थिक और अन्य तरह से मदद करेगी। उन्होंने कहा कि शहीद सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और आज पूरा गांव, थाना कला ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा और पूरा देश उनकी शहादत पर उन्हें नमन कर रहा है। मेरे पिताजी ने जान दिए देश के लिए, इस बात का मैं गर्व सबसे पहले मैं चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इसका जवाब दिया जाए, ठीक है जी। पापा ने देश के लिए जान दी, हमें गर्व है इस बात के लिए। पर जिस तरीके से जो बात हुई है पूरी की पूरी, ठीक है, उस दिन फेंसिंग हो रही है हमारे बॉर्डर की, अभी इंटरनेशनल बॉर्डर की, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, वहीं पे ये हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस बात का जवाब दिया जाए, ठीक है, बदला लिया जाए, इस बात का बिल्कुल बदला लिया जाए, बिल्कुल जी, इस बारे में बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल है कि उस दिन हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट थे, नॉट ऑन द सेम प्लेस, वहाँ पे एक जगह नहीं थे वो, पर थे वहाँ पे, ठीक है। देश ऐसा हर बार होता रहेगा, ये चीज़ नहीं सही जाएगी हमसे बिल्कुल। कब तक और कब तक हम सिर्फ यही बात कहते रहेंगे कि हमें गर्व है, ये सिर्फ इस बात से बात नहीं चलेगा, बिल्कुल इस बात का समाधान होना चाहिए, ठीक है, हमें गर्व है। अब जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, ठीक है, हर चीज़ हो, ठीक है, हमें भी एसएफ की तरफ से जो भी चीज़ें वो हैं सारी फैसिलिटी मिले, हमें बाकी सब की तरह, छोड़ दो, बाकी सब की तरह हमें भीख ना मांगनी पड़े, मेरी बात समझ गए आप, एक बात, गर्व हुआ है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो गर्व है हमें, ठीक है। इंग्लिश में बहुत चाहते हो तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, वी आर प्राउड एवरीथिंग, ठीक है, हमें हर चीज पे गर्व है। लेकिन पर अब ना हो कि आज आप यहाँ पे खड़े हो, ये बात कोई पूछे ना, ये ना हो, जो हमारा चाहिए, जो हमारा हक है, जो हमारा गर्व है ना, वो हमें उसी हिसाब से मिलना चाहिए, सीधी सी बात, हिसाब से कुर्बानी दी है। मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, मम्मी का, और जो आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उस हिसाब से करो, बस एक नौकरी मेरे छोटे भाई को दे दो, ठीक है, जो आपके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पापा शहीद है, मतलब शहीद है, ठीक है, जो जो चीज़ें शहीद को मिलती हैं सारी की सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कल को मैं अपनी मम्मी को लेके इधर उधर के पर्सनली किसी एक मिनिस्टर के या किसी एक उसके वो करूँगा, चक्कर काटते रहे, ठीक है, और कमिटमेंट चाहिए, ठीक है सर, सेंटर से दिलाओ, आप कहीं से दिलाओ, एक एक जवाब चाहिए, अश्योरिंग हमें कहीं से। होम मिनिस्टर जब वहाँ जाते हैं कुछ बात हो जाती है, ठीक है, इतने हर भी बात होती है, एक अश्योरिंग स्टेटमेंट तो हमें मिल सकती है सर, एक शहीद की जब डेड बॉडी वहाँ पर मिली तो कुछ निर्दयता सामने आई क्या? बस जी, इस बारे में प्लीज ना कर सकते हो, इसी बात का दुख है, दुख इसी बात का है। अगर कोई, अगर कारगिल जैसी कुछ बात होती कि पापा अगर शहीद ऐसे होते तो मुझे कोई दुख तो अभी भी नहीं है, पर जो ये जो बात के जो काम होते हैं ना, जो ये बैट एक्शन टीम करती है हमारी, जो दूसरी जो करती है, बस इस बात का ना, ये जो कायर हरकत की, इसका कोई जवाब नहीं, पर इसका जवाब दिया जाएगा। उनकी शहादत पर मुझे बहुत गर्व है, अपने पति का, ने इतनी अपने देश के लिए जान कुर्बान की, बस एक चीज़ ही का दुख रहा कि जो हुआ वो बस सही नहीं हुआ, और बाकी मुझे उनकी जो उन्हें करा, जो भी देश के लिए इतने दिन वो, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, उस पर मुझे बहुत गर्व है अपने पति के, इतना अच्छा उन्होंने बॉर्डर पर लड़े, सारे काम हुए, पर जो उनके साथ जो हुआ ना, बस दुख उसी चीज़ का, और बाकी मुझे कुर्बानी का दुख नहीं है, जो देश के लिए ही गया था और वही उन्होंने सोच रहे थे। क्या दोनों बच्चों को सेना में भेजना चाहोगे? दोनों बच्चे तो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे कि मम्मी हम अब श्री, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, वो अपने आप ही जाएंगे, वो अपने आप खुद ही अपने पापा की उस चीज़ को चाहते हैं कि भाई हम भी देश के लिए, जब मेरे पिता ने इतना वो करा कि हम भी करेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। बच्चे तो अपने से ही पहले से ही इतने जोश में थे, और इसके बाद तो वो और भी ज़्यादा अपने देश के लिए सम्मान और वो कुर्बानी हर चीज़ की देने के लिए तैयार है। पर जो जैसे हो रहा ना, बस मैं सोचती हूँ किसी बहन के, किसी भाई के साथ, बस ये जो चीज़ जो हुई ना, बस वो ना हो, किसी और के साथ ना हो। लास्ट टाइम कब आए थे घर पे? घर पे ये 22 जुलाई को यहाँ से गए हैं, और सुबह मेरी बात हुई थी इनसे, सुबह 7:30 बजे, और उस टाइम ये बिल्कुल खुश थे, कोई सी बात नहीं थी। उसके बाद जो ओपी में गए, फिर उस मेरे को पता नहीं, बस फिर हमें तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन यहीं से ही पता लगी, गाँव से ही पता लगी। क्या वहाँ पे कौन गया था, यहाँ पे कुछ आगे बताया हो, किसी ने कुछ, कैसे क्या हुआ?
यहाँ से हमारे छोटे भाई हैं वो गए थे, और वो भी दूसरे भी छोटे हैं वो दोनों यहीं से ही गए थे। और बस वहाँ का भी मेरा उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुआ, पर बस सबका यही था, इसी चीज़ से सारा ये दुख है कि जो मतलब कुर्बानी दी सबको इतना गर्व है। आपने देखा पूरे गांव को, पूरे मेरे बहन भाई जितने भी हैं सारा मेरा पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा देश खड़ा है मेरे साथ। बस ये है कि किसी भाई किसी बहन के साथ ना करे। सरकार से क्या उम्मीद रखती है? बस सरकार से यही उम्मीद है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, इस पर रोको, कुछ करो, हर बच्चा ने संभालो और इनको नौकरी दे बस। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ होगा जो इसको वो, मेरे को कोई नहीं कुर्बानी दी। गर्व इतना है कि बस मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, पर ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान परमात्मा बस इसको ना होने दे। हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र देश के काम आए हैं और एक एग्जाम्पल सेटअप करके गए हैं नौजवानों के सामने, देश के लोगों के सामने। और पाकिस्तान की जिस प्रकार से क्रूर मानसिकता रही है और गाहे बगाहे वो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तो आज यहाँ हेड कांस्टेबल नरेंद्र के शहादत पर मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ, जिस प्रकार का गांव के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने इस प्रकार से भाई नरेंद्र की शहादत को सिर आँखों पर लिया है, तो ऐसे वीर सैनिक के लिए हरियाणा सरकार अपनी संवेदनाएँ प्रकट करती है और हमें अपने ऐसे वीर सैनिक पर गर्व भी है, क्योंकि देश की सेना का 10वां हिस्सा हरियाणा से है और हरियाणा के होने के नाते इस प्रकार से देश के लिए लोग हमारे हमेशा साथ देते रहे हैं। सर, सरकार की तरफ से कोई मदद जो एज पर नॉर्म्स जो भी होगा वो करेंगे, और जो गांव की पंचायत अपने रेजोल्यूशन पाकर देगी उसको एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करने का काम करें। जम्मू में सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ के जवान नरेंद्र के घर सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रणदीप ने कहा कि शहीद के शव के साथ जो बर्बरता की गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को इसका बदला लेना होगा। आक्रोश स्वाभाविक है, जिस प्रकार से देश के बेटे हरियाणा के एक फौजी जवान नरेंद्र सिंह जी का की हत्या पाकिस्तान के द्वारा की गई, शव को शत विषप्त किया गया, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, देश की आत्मा छलनी हो गई। फौजी जवान इस देश की आत्मा है, उस देश की आत्मा को 9 घंटे तक पाकिस्तान के लोगों ने टॉर्चर किया, उस देश, हमारे देश के स्वाभिमान को, हमारी देश की उस आत्मा को छलनी किया, आंखें निकाल ली, हाथ और पांव काट दिए और 3-3 गोलियां सीने के अंदर दाग कर हत्या की। शहीद नरेंद्र सिंह ने तो शहीद हेमराज की तरह भारत माता के प्रति अपनी कुर्बानी देकर अपना कर्ज निभा दिया, पर प्रश्न ये है कि आज के हुक्मरान अपनी जिम्मेवारी कब निभाएंगे? कहां गया 56 इंच का सीना और कहां गई पाकिस्तान को दिखाई जाने वाली लाल आंख? कब निर्णय होगा पाकिस्तान के साथ कि वो आए दिन हमारे फौजी जवानों के शव शत विषप्त कर उनकी इस बेबाक तरीके से हत्या ना कर पाए? क्या प्रधानमंत्री जी की आत्मा अंतरात्मा उनको कचोटती नहीं? क्या सरकार के पास कोई शर्म नाम की चीज बची है? अब जवाब देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि सरकार बेईमानों को लेकर ज्यादा चिंतित है बजाय देश के फौजी जवानों के। पाकिस्तान को क्रिकेट बैट तो भेजते हैं, पर देश की सेना के लिए बैटिंग कब शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री जी? आज हरियाणा नहीं, पूरे देश के लोग ये जवाब मांग रहे हैं। हमारी ये मांग भी है कि शहीद नरेंद्र सिंह जी के दोनों बेटे जो हैं उनको जल्द से जल्द हरियाणा सरकार उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार दे, शहीद का दर्जा दे, और शहीद नरेंद्र सिंह के परिवार के साथ जहां पूरा गांव, पूरा इलाका
और पूरा प्रदेश और देश खड़ा है, वहां उस शहीद की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उन हत्यारों को ढूंढ ढूंढ कर भारत सजा दिलवा पाएगा। सर अभी तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान या फिर कुछ नहीं? थोड़ा हाथों ऊपर कर सकते हैं मुझे यदि जैसा कहा गया, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि सैनिक शहीद हो रहे हैं। शहीद नरेंद्र सिंह ने भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च कुर्बानी दी। शहीद नरेंद्र सिंह ने इस बात की परवाह नहीं की कि 9 घंटे तक पाकिस्तान के की सेना ने उनको करंट लगाया, आंखें निकाली, शरीर के अंग काट दिए, गला रेत दिया, सीने में 3-3 गोलियां मारी, परंतु सरकार के हुक्मरान एक रहस्यमयी और षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साधे हैं? मुख्यमंत्री जी अभी तक क्यों नहीं आए? भारत सरकार का कोई नुमाइंदा क्या उस शहीद के परिवार के साथ दो संवेदना के बोल बोलने के लिए नहीं आ सकता था? हमें अभी भी उम्मीद है और हम मांग करते हैं जनाब खट्टर साहब से भी और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से भी कि समय रहते चेत जाइए। वो लोग जिन्होंने हरियाणा और देश के एक शहीद के शव को शत विषप्त करने और उसकी हत्या करने का कुप्रयास और कुचेष्टा की है, अब उनको लाल आंख दिखाने और 56 इंच का सीना दिखाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, 10 सर मत लाएं, परंतु शहीद नरेंद्र सिंह के हत्यारों को सजा जरूर दिलवाएं और परिवार के साथ सरकार और संस्थान दोनों खड़े नजर आएं। हमारी यही अपेक्षा और यही मांग है।